नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सत्यम मिश्रा। बात करते हैं दिन भर की सुर्खियों की। स्वामी अग्निवेश नहीं रहे, दिल्ली के अस्पताल मिली आखिरी सांस। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल की अहम बैठक जारी। कल हो सकता है बड़ा फैसला। कंगना मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को कल भारत को सौंपेगा चीन। बात करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर की, और वो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना किट घोटाला सामने आया है। जहां एक तरफ देश में 45 लाख से ज्यादा लोग इससे ग्रसित हैं, 76,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों के काम बंद हो गए। इस महामारी में सरकार ने सर्वे के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने का आदेश दिया। उसे जिलों ने अपनी कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम देकर खरीद। ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक और उनके पदाधिकारी लगा रहे हैं। मामले में 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच एसआईटी को दे दी गई है। कानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी। मामले में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही सुल्तानपुर की डीएम इंदुमती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। ऐसे में प्रश्न साफ है, क्या इस घोटाले के आरोपियों को सजा मिलेगी? बने रहिए स्वराज भारत के साथ, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।